अब हम देखते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसके लिए हम बनाते हैं, तो हम बता सकते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या है, इसमें कंस्ट्रक्टर को इनिट मैथड बोला जाता है पाइथन में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनिट मैथड इन पाइथन, इनिट मैथड इन पाइथन। इट इज यूज टू इनिशलाइज्ड डायनामिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास। क्लास के जो डायनेमिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनको यदि आपको इनिशलाइज करना होता है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनिशलाइजेशन ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो आप चाहते हो कि किसी मेंबर की वैल्यू इनिशलाइज हो जाए या कोई कंपोनेंट इनिशलाइज हो जाए या कोई फंक्शनैलिटी आपकी कॉल हो जाए, तो वैसे आप क्या बनाते हो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ठीक है, वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बट ओनली वन कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। देखो पाइथन में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना तो सकते हो लेकिन कॉल एक ही होगा, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर में क्या हुआ, टॉप टू बॉटम चलता है, पहला कंस्ट्रक्टर मिला दूसरा मिला तो पहला वाला ओवरराइड होकर पहला वाला कंस्ट्रक्टर की जगह में क्या आ जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि एड्रेस एक ही है। आपको पता होना चाहिए कि मैथड का नाम भी क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर बना तो बहुत सकते हैं लेकिन कॉल क्या होगा, एक टाइम में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, क्लास का नाम डेप _ इनिट _ सेल्फ, ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास लिख दिया अभी, यदि मुझे कुछ भी नहीं करना होता तो मैं क्या लिख देता हूँ, पास लिख देता हूँ इनिट _ यहाँ पे आएगा सेल्फ, यहाँ पे मैंने दे दिया पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 आफ्टर दैट आई ऑल्सो मेंशन ईयर पास, यहाँ पर भी मैंने पास मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे रेफरेंस क्लास नेम, और जैसे मैंने यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा, जैसे मैं ये लिखूंगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये बोलेगा कि मुझे पैरामीटर चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आखिरी वाला कंस्ट्रक्टर है वही आपका कॉल होगा। आखिरी वाला आप यदि डिफॉल्ट बनाओगे तो डिफॉल्ट कॉल होगा, आखिरी वाला आपका पैरामीटराइज है तो पैरामीटराइज कॉल होगा, तो जो लास्ट कंस्ट्रक्टर होगा वही आपके प्रोग्राम में क्या होता है, कॉल होता है। देखिए मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके भी बताता हूँ एक बार कि हाउ इट वर्क। तो यहाँ पर मैंने गया फाइल के पास, गया न्यू में गया, यहाँ पर मैंने दिया क्लास कॉन्स डेमो डेप्स _ इनिट _ सेल्फ, मैंने याद दिया प्रिंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी मैं एक कंस्ट्रक्टर आपके सामने कॉल करके देखो, यदि सिंगल है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिंगल है तो जो आपका पहला होगा वही आपका क्या होगा, कॉल होगा। दे दिया मैंने ओबीजे इक्वल्स टू कॉन्स, बस सेल्फ लिखना जरूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक नहीं होता, कंस्ट्रक्टर क्या होता है एकदम डायनामिक ही होता है, रेफरेंस टाइप का ही होता है। देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में आ जाएगा। बट अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक और बना देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर मैंने लिया डेप्स _ इनिट _ यहाँ पर आ जाएगा सेल्फ, और मैंने दे दिया यहाँ पे ए, ओके, और यहाँ मैंने दे दिया प्रिंट। अब यदि मैं ऐसा रन करता हूँ मैं प्रोग्राम में, तो ये एरर दे देगा मिसिंग वन पोजिशनर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी ये कॉल ही नहीं हो रहा है। कौन सा कॉल हो रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे वाला पैरामीटर चाहिए मेरे को, मैंने यहाँ पैरामीटर पास कर दिया, अब जा करके कॉल होगा। तो मेरे मतलब ये है कि जो आखिरी वाला कंस्ट्रक्टर होता है वही इसमें क्या होगा, कॉल होगा। तो बना तो आप बहुत सारे सकते हो लेकिन कॉल वही होगा, इसलिए आप एक टाइम में एक ही कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। प्रोफेशनली इसमें क्या है कि यदि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं वी कैन क्रिएट ओनली वी मस्ट क्रिएट ओनली वन कंस्ट्रक्टर एट ए टाइम, एक समय में हम एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना सकते, ओके। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर का क्या है, एक एग्जाम्पल, इस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज द सेशन फॉर कंस्ट्रक्टर।